आज यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ और अंजलि भी साथ में आई है और डॉक्टर राजपीत सिंह हैं, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब आ गए, हड्डी वाले डॉक्टर साहब एचन सिंह साहब आ गए, शर्मा जी आ गए, गोपालन वाले भी शर्मा जी आए। यहाँ पर काफी अंदर वृक्षारोपण हुआ और मैंने आग्रह किया है कि जो भी पौध लगाए जाए वो 15 जुलाई से लगाया जाए और 5 जून को केवल इसके लिए स्कीम बनाई जाए। तो हमारे जेलर साहब जो एसपी सिंह साहब जो हैं इतने मेहरबान हैं, इतने पर्यावरण प्रेमी हैं कि देख करके बड़ा अच्छा लगा। जेल के अंदर तो बिल्कुल काया पलट हो गया है, बाहर से तो वही अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है लेकिन अंदर देखने योग्य बना गया है। कभी हमने 2008 में आर के मिश्रा जी अधीक्षक थे यहाँ पर, हम कई बार आए थे प्रोग्राम में लेकिन हमारे एसपी सिंह साहब के जमाने में आया हूँ। बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं पेड़ पौधों में और कारागार को बिल्कुल एक चाहते हैं कि सुसज्जित और सुंदर हो अंदर से, लोग यहाँ कुछ सीखे आके। जय जय। अभी वो बनना है ना, तो कल लेके आई थी तो आज यहाँ काफी वृक्षारोपण हुआ गीतांजलि गार्डन से। और क्या नाम वो डॉक्टर राजपीत सिंह साहब तमाम पेड़ खरीद के लाए, हमारे यहाँ तमाम पेड़ भी रख दिए गए हैं, सब बाद में भी और लोग लगाएंगे। अब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ लेकिन हमारा आग्रह है समाज से, सरकार से, जनता से कि भारत पर्यावरण दिवस 15 जुलाई से मनाए। उस समय बारिश होती है, बारिश में ही पेड़ लगते हैं और बाकी इस समय तो अग्नि की वर्षा हो रही है। हमारे दामाद जी गाड़ी चला रहे हैं, अंजलि वहां से गाड़ी लेके आई थी, दामाद जी बाद में आए। ऐसी जिला कारागार की व्यवस्था मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। ये सब योगी राज की ही कृपा है, काया पलट कर दिया भारत। ए उधर चलना उधर, ये हाँ डॉक्टर राजपीत सिंह साहब के प्रयास से काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए और अंग्रेजों का बनाया के जमाने का जो तन्हाई था अब वो नया बन गया है। और वो इतना सुंदर तो हमने साहब जो जेलर साहब हैं मैंने आग्रह किया, उसमें होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब सिंह साहब ने कहा कि साहब उसमें डेंटिंग पेंटिंग में जो सहयोग होगा मैं दूंगा। तो हमने कहा चलिए, सोने में सुहागा हो गया, केवल शिक्षक साहब का बंगला आने वाला है। कभी हम लोग रात रात घर बैठ के वार्तालाप किया करते थे, यही खेल गागे रोड पर हम चल रहे हैं। अधीक्षक अधीक्षक निवास कहिए गौतम जी का कभी मुलाकात करेंगे। तो कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ आज का, जेल गार्डन रोड सब है, ये सब जेल जेल का ही एरिया है। अग्नि की वर्षा होती है, उस समय स्कीम बनाए जाए, गड्ढे खोदे जाए, विचार विमर्श हो। 15 जुलाई में जब झमाझम बारिश शुरू हो जाती है उस समय पौधे लगाए जाए, ना उनको सींचना पड़ेगा ना पाटना पड़ेगा, 3 महीने में खूब फिर खुश होके बड़े हो जाएंगे।
हमारे चौराहे पर हम आ गए हैं। मंदिर है ये बीचों बीच चौराहे पर, बरगद का पेड़ है ये। 1946 से मैं देख रहा हूँ इस बरगद को, क्यों का क्यों है, पेड़ बढ़ा नहीं। ये सामने पांडे कॉम्प्लेक्स, बगल में हम लोगों का आ जाता है दुर्गा मार्केट। बड़े अच्छे स्वभाव के थे हमारे जेलर साहब, एसपी सिंह साहब। हम बिहार के हैं ना, बड़े प्रकृति और पर्यावरण के बड़े प्रेमी निकले। बड़ा अच्छा लगता है ये भाई, अधिकारी लोगों के अंदर रुचि है तो बड़े बड़े काम है लोगों के। अब यहाँ जिला कारागार में एक से एक दुर्लभ पौध जो है बाहर के, उसे जाके लगाते हैं। अच्छा घर आ गया दुर्गा मार्केट, ये हम अपने गीतांजलि गार्डन आ गए। अब इसको अंदर चलो, क्यों गाड़ी आप गाड़ी अंदर लगाएंगे तो गाड़ी अंदर लगाएं तो ये हटाओ, ये वाला मोटरसाइकिल स्कूटर हटाओ और ये डब्बा भी किनारे करो, हटो। हाँ आगे ले जाओ, आगे ले जाओ ताकि गाड़ी अंदर करवा दें, इसकी जल्दी जरूरत तो है नहीं। हाँ चलो, हाँ अब इस मोटर के लिए वो बोरी हटाओ, कोई सामान फालतू नहीं होना चाहिए। हाँ लगाइए, ले आइए। हाँ गबड़ा घड़ा तुम लोग, अरे घड़ा उड़ा वहाँ रखो। हाँ ले आइए ले आइए ले आइए, ये होला, ले आइए ले आइए, बस 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 बस, ब्रेक लगा दीजिए आप, बस हो गया। गाड़ी ढलान पर है ना, लग गई गाड़ी, ठीक हो गया। तो अभी उसी में लगा रहने दो। चले हम लोग आ गए, जय श्री राम। अच्छा अच्छा दीजिए, इसको रोकिए जरा, अच्छा इसको चलने दीजिए, बच्चे को भी बुलवाएंगे। ए छोटे भैया एक काम संबंध, ये जो पॉलिथीन पड़ी है ना उसमें कुछ बीजा वीजा गिर गए हैं, ये जो है ना इसको मैं भर दियो वापस, और एक रखी है वहाँ बैटरी के ऊपर वाले डिब्बे में, और दोनों झोला लिया है। हाँ इनको बनाइए। हाँ बुलाओ बुलाओ। वाह, और तुम म्यूजिक बजाते हो, फिर बुलाओ फिर बुलाओ। वाह भाई वाह, क्या बात। मोबाइल में बंद करा।